नमस्कार, मैं हूं अमित जायसवाल और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। मामला ऐसा है जिसके बारे में आप जानेंगे तो खुद परेशान होने लगेंगे। एक बैंक मैनेजर बेटे ने अपनी वृद्ध माँ को पिछले 3-4 महीने से घर के अंदर कैद कर रखा था। ये मामला पटना के रामकृष्णा नगर इलाके का है। जब इस मामले की जानकारी बिहार राज्य महिला आयोग को हुई तो आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा खुद महिला के घर पहुंच गई और जो वहां जाना और जो बातें सामने आई उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष और उनके साथ गई पूरी टीम हैरान और परेशान हो गई। महिला किस तरीके से रो कर अपनी परेशानियों को बता रही है ये खुद देखिए। तुम बात कर साथ 3 महीना तुम को घर में नजर बंद किए हुए, किसी से मिलना नहीं, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरा कोई कागज पत्र, सब चीज छीन करके हमको एकदम बंदी बनाए। हम अब क्या करें? आपसे सब ले लिया है पैसा, सब कागज, सब कुछ भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल तक नहीं है। अब क्या क्या मैंने मुझसे तो पूछेगा, इतना बड़ा डंडा दिखाया 46 लाख का कि उतना पैसा हम बेटी को दे दिए। बेटी हमारी जबलपुर में, एक ही बेटा है ना, एक बेटा एक बेटी है, तो सारा संपत्ति तो बेटा ही का है। तो वही ना कहे कि मेरे बाद तो उसी का, उन्हीं का ना, तो मेरे बाद ना होगा, लेकिन नहीं, उसको हमसे पहले चाहिए। उसको हम, मेरा कोई अथी नहीं है, हम मरे चाहे जिए उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको सारा संपत्ति चाहिए। और हम बेटी को एकदम मेरे अथी किए हुए, जबकि बेटी का कोई कसूर ही नहीं है। बेटी तो हमारे जबलपुर में रहती है, खुद पढ़ी लिखी डॉक्टर है, सर्विस करती थी औरंगाबाद में, शादी के बाद डिजाइन दे करके चली गई, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, कभी जाते हैं तो बेटी है तो गिफ्ट के नाते कुछ दे देते। इस स्थिति में बेटी कुछ पहल नहीं करी है आपको साथ में जाने का? उसको तो इतना केस कर दिया, उस पर केस पर केस लाते हुए कि वो अपने उदम कभी वो सब देखी नहीं, वकवक आ गई है। आप एक चीज बताइए, अगर आपको यहाँ से हम लोग निकालते हैं माँ जी, तो अभी यहाँ से आप निकल कर कहाँ जाना चाहिए? बेटी के यहाँ जाएंगे। बेटी के यहाँ जाइएगा, मेरा हालत बहुत खराब है। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, अब आज से ही आप यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है? आप ये बताइए कि बेटी के यहाँ आप जाइएगा? हाँ, क्योंकि बेटी का नंबर क्या है, बेटी से बात करिए। बेटी का नंबर है? कुछ नहीं है मेरे पास नंबर। कोई बात है, हम लोग पता लगा लेंगे। नंबर सब डिलीट कर दिया, सब नंबर डैडी सब चीज चल के फेंक दिए। ननद का नंबर? कैसा रिलेशनशिप है मैडम आप लोगों का? आपकी अपनी एक इकलौती ननद है, सास इस स्थिति में है। बात समझने की कोशिश की, यहाँ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ पैसा का ही प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि किसी को भी किसी चीज से दिक्कत नहीं है। हम लोग इनको अच्छे से रखते हैं, सारा चीज करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है हम लोग को रखने में इनको, लेकिन जबरदस्ती का ये नहीं, एकदम हम लोग को एकदम पसंद ही नहीं, चाहती है कि इस घर से हम लोग निकल जाए। तो कैसे, मेरा भी छोटा छोटा बच्चा है, मेरे बड़े वाले बच्चे को प्रॉब्लम है। ये घर किनका है? घर तो साहब बनाया थे। आपके हस्बैंड का तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो अरे आपके पापा जी के बाद तो इन्हीं का हुआ ना? इनका मैम, तो सर को हम क्या कुछ बोल रहे हैं, पापा जी के बाद मेरा, लेकिन इस घर से हमको कोई मतलब नहीं। जो ऊपर रेंटर लगा, लेकिन हमें कोई नहीं देख सकते, सब रेंटर लोग को धमकाया है, सबको डांट डपट के कि कोई भी कोई एक पैसा नहीं देगा, इसका कोई हक नहीं। हस्बैंड कहाँ है? कुछ भी नहीं है। हस्बैंड आपके जॉब में है? ओ, बिजली का काम चल रहा है ना। मेरी बेटी आज बाहर बैठा जाएगा, बाहर कुर्सी पे बात कर ही लीजिएगा, कोई मतलब उसको नहीं है, ना एक शब्द कभी बोली है, ना कभी लड़ाई ना झगड़ा कोई। इस मामले में महिला आयोग की टीम ने तेजी से कार्रवाई की, वृद्ध महिला वीना देवी को उनकी बेटी के ससुराल में पहुंचा दिया गया है, वो अब वो सुरक्षित हैं। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें लाइव सिटीज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।